नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया तथा सामाजिक जगत, राजनीति तथा अपराध जगत की खास खबर। मुंबई के साल्ट पेन आईमैक्स हाईवे रोड पर पुलिस का जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर सब हैरत में पड़ रहे थे। ये चेहरा था मुंबई की उस पुलिस का, जिस पर हमेशा कोई न कोई आरोप लगता ही रहता है। पुलिस का कोई एक कृत्य पूरी मुंबई पुलिस की खाकी वर्दी पर कालिक पोतने जैसा लगता है। लेकिन आप भी देख लीजिए मुंबई पुलिस का वो चेहरा, जिस पर आप उंगली उठाने से नहीं चूकते। अब आप इन तस्वीरों को देखकर मुंबई पुलिस पर उंगली उठाने से पहले कई बार सोच लीजिएगा। जी हाँ, ये मुंबई पुलिस के जवान हैं, ये मुंबई के बडाला टीटी में तैनात हैं। इन तीनों पुलिस के जवानों ने पुलिस की आवाज सामाजिक ट्रस्ट के साथ मिलकर दिनांक 27 जुलाई 2018 को समय लगभग 3 बजे जो कार्य करने लगे, उसे देखकर उनको सलूट करने का दिल आपका भी चाहेगा। जी हाँ, बडाला के शांति नगर में मदीना मस्जिद के पास एमएमआरडीए और बीएमसी की लापरवाही उदासीनता के चलते मुख्य मार्ग पर काफी गड्ढे थे, जिसे हर दिन दुर्घटनाएं हो रही थी। दोनों विभागों का ध्यान इस ओर नहीं था। ऐसे में पुलिस की आवाज एनजीओ ने इन गड्ढों को भरने का इरादा लेकर सड़कों पर उतर आए। इधर ड्यूटी पर तैनात ये पुलिस के जवान भी मदीना मस्जिद के पास पहुंच गए। इन जवानों ने एनजीओ के सदस्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन गड्ढों पर कंक्रीट सीमेंट डालकर गड्ढों को पाटने का काम किया। पुलिस और आम नागरिकों द्वारा सड़क निर्माण का एक कार्य करते देख लोग काफी हैरत और आश्चर्य में देखे गए। बहरहाल सड़क तो गड्ढा मुक्त हो गई, साथ ही छोड़ गया मुंबई पुलिस की बदतस्वीर, जिसको देखकर लगता है यदि सही मायने पुलिस और जनता के बीच की दूरी समाप्त करना है तो पुलिस के जवानों को जनता के बीच उनके सामाजिक कार्यों में भी इसी तरह हाथ बटाना होगा। इस अनोखी पहल की शुरुआत की पुलिस की आवाज एनजीओ के महेंद्र चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार फिरोज खान, शाहरुख खान, जावेद अली, मंसूर अली व अन्य टीम के सदस्य वहां पर इस कार्य के दौरान उपस्थित थे। एबी न्यूज के लिए फिरोज खान की रिपोर्ट। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।